नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है और ये आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इससे मैं ज्योग्राफी में आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक हम यही रखेंगे। इससे पहले कल जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल पढ़ा था भारत के महत्वपूर्ण चैनल, ठीक है, और ये हम देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। तो एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, उत्तर बिंदु, उत्तरतम बिंदु, नॉर्थ नॉर्थ पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल लद्दाख में, दक्षिणतम बिंदु, साउथ पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप है, पश्चिमी बिंदु जो आपका वेस्टर्न पॉइंट आपका गौर मोती या गुहार मोती गुजरात में, पूर्वी बिंदु ईस्टर्न पॉइंट कीवीथू आपका अरुणाचल प्रदेश में, मुख्य मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश तमिलनाडु में है, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है काराकोरम लद्दाख जास्कर के से काराकोरम एल से लद्दाख के एल जे, ठीक है, तो और पीर पंजाल शिवालिक, ठीक है। तो आपका जो है काराकोरम है, एल से आपका लद्दाख है और जास्कर है, जे से जास्कर, ठीक है, पी से पीर पंजाल और एस से शिवालिक है। तो इसमें आपका एक ध्यान देना यही है, तो जे के एल तो जे ऐसे जे यहाँ चाहिए था, ठीक है। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल और शिवालिक है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य पर स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। असम की सीमा पूर्व कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो 7। रोस द्वीप नील द्वीप हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि स्टेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो पाक जल डमरू मत से। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा का। और भारत के महत्वपूर्ण चैनल कौन है, तो आपका है 9 डिग्री चैनल जो कि आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। तो भारत के महत्वपूर्ण चैनल जो है आपके 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है, पाक स्ट्रीट पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है, माहिम क्रिक निवेशिका जो है आपका एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में, और खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है, लक्षद्वीप सागर जो है आपका लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है, तो लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, कोको स्टेट जलडमरू मध्य जो है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है, डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के पास है, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान और निकोबार के मध्य है, ठीक है। तो विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका देश हो गया आपका इधर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो कौन कौन सा देश आपका लगा हुआ भारत की सीमा से, तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। तो इसको पढ़ते इसको मैप में भी पढ़ते इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। तो बांग्लादेश की लंबाई जो है किलोमीटर में वो 4096 किलोमीटर है, चीन का 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, नेपाल का 1751 किलोमीटर, म्यांमार का 1643 किलोमीटर,
भूटान का 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल आपका जो सीमा बनाता है वो 15106 किलोमीटर रहता है, 15106 किलोमीटर। तो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर, चीन का है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, नेपाल का 1751 किलोमीटर, म्यांमार का 1643 किलोमीटर, भूटान का 699, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, ठीक है। तो बांग्लादेश और भारत की सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो बांग्लादेश और भारत की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। चीन और भारत की सीमा को कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा डिवाइड डिवाइड करती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का भी रेड क्लिफ रेखा है पाकिस्तान भारत का। उसके बाद अफगानिस्तान का डुरंड रेखा है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भारत की रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान है, मैकमोहन रेखा जो है चीन और भारत, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत, और डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत। तो जो है सीमा से संबंध, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या कितनी है? तो बांग्लादेश के साथ जो है पांच राज्यों का बॉर्डर टच करता है। बांग्लादेश के साथ भारत का पांच राज्यों का यह बॉर्डर टच करता है। चीन का पांच, ठीक है, चीन का भी पांच राज्यों का बॉर्डर टच करता है भारत का। पाकिस्तान के साथ भी पांच, नेपाल के साथ भी पांच, म्यांमार चार, भूटान चार, और अफगानिस्तान एक, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है आपका जो जो राज्य भारत के टच करते हैं वो है पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, और इसके बाद मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। सबसे कम मिजोरम का होगा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। देखिए ये आपका त्रिपुरा यहाँ पर हो गया, बांग्लादेश से पूरा हो गया बांग्लादेश, तो त्रिपुरा टच करेगा, और ये मेघालय टच करेगा, असम टच भी करेगा, असम भी, ये असम, ठीक है, असम यहाँ, मेघालय का यहाँ, त्रिपुरा का यहाँ, और मिजोरम का इधर, ठीक है। ये आपका टच करता है बांग्लादेश के बॉर्डर से, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप मैप से समझ सकते हैं कैसे जो है बांग्लादेश का जो सीमा है भारत के राज्यों से टच करता है। उसके बाद आपका है चीन के साथ जो जिन राज्यों का भारत का टच करता है वो पांच है। तो कौन कौन है? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो देखते हैं मैप में कहाँ पर आपका है, कैसे टच करता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका पूरा चाइना हो गया यहाँ से, ठीक है। इसके बीच में तिब्बत है, लेकिन तिब्बत को कब्जा किया हुआ चाइना ने, जो कि बहुत भारत की बहुत बड़ी भूल है, जिस सरकार में ये कब्जा हुआ, ठीक है, तिब्बत का। अगर उसमें चाइना से अगर कुछ करते तो शायद तिब्बत आज़ाद होता, इसलिए कोई बात नहीं। ये देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका चीन के सीमा पर है, ये आपका सिक्किम भी चीन के सीमा पर है, उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। लद्दाख पूरा, लद्दाख, उत्तराखंड, फिर इसके बाद आपका सिक्किम, लद्दाख, सॉरी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका पांच राज्य जो है चीन की सीमा से लगता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो पांच राज्यों का सीमा लगता है वो आपका गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। देखते हैं मैप में कहाँ पर ये, देखिए आपका ये पाकिस्तान का एरिया पूरा इधर,
इस एरिया पूरा आपका पाकिस्तान के साथ है। तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया पहले, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद आपका था पंजाब हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का नहीं लगता है, राजस्थान हो गया, और इधर आपका नीचे भी गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात का सीमा भी लगता है पाकिस्तान के साथ। तो ये आपका टोटल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट आपका है नेपाल, तो नेपाल के साथ 5 राज्यों का सीमा लगता है। तो कौन कौन है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तराखंड है, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए आपका ये नेपाल है, ये एरिया आपका नेपाल का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बगल में सिक्किम है, ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और एक और क्या बोला, पश्चिम बंगाल, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड है। तो देखिए थोड़ा सा सीमा आपका पश्चिम बंगाल का भी जो है ऊपर में यहाँ पर है सिक्किम है, और यहाँ पर आपका ये पश्चिम बंगाल है इस एरिया, तो ये यहाँ पर आपका जो है बॉर्डर टच करता है नेपाल के साथ। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। उसके बाद आपका म्यांमार है, म्यांमार का 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ बॉर्डर टच करता है, सीमा टच करता है। तो कौन कौन सा है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मिजोरम है और मणिपुर है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। तो देखते हैं मैप में कहाँ पर है, देखिए आपका ये आपका म्यांमार का साइड एरिया हो गया पूरा इस एरिया में। तो इधर आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो तीनों आपका टच करता है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट आपका भूटान है, तो भूटान के साथ जो है 4 राज्यों का सीमा लगता है। तो कौन कौन है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है, ठीक है। तो देखते हैं मैप में, तो ये आपका जो है भूटान यहाँ पर है, ये आपका एरिया जो है भूटान का है ये पूरा, और देखिए ये असम के साथ सीमा लगा रहा है, पश्चिम बंगाल भी आपके यहाँ पर है और इधर आपका सिक्किम है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इसके साथ सीमा लगाता है, ठीक है, 4 राज्यों के साथ। तो देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ जो है सिर्फ एक राज्य लद्दाख का सीमा लगता है। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर एरिया जो है आपका ये एरिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है लद्दाख का, ठीक है, 106 किलोमीटर का। और इस प्रकार हमने देखा, तो अब हम रिवाइज करेंगे एक बार। तो विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर है, चीन 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, नेपाल 1,751 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो बांग्लादेश के सीमा रेखा को बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा, चीन और भारत का मैकमोहन, पाकिस्तान और भारत रेडक्लिफ, और अफगानिस्तान और भारत का डुरंड रेखा। तो बांग्लादेश के साथ जो 5 राज्यों का कौन है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा और असम है। चीन के साथ 5 राज्यों का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 5 राज्यों का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ भी 5 राज्यों का, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार का भी 4 राज्यों के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान के साथ 4 राज्यों के, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान के साथ एक एक राज्य है आपका लद्दाख है, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, तो सॉरी, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं मैकमोहन रेखा को, ताकि आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन लाइन अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, और जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है, और वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। तो मैकमोहन लाइन जो है आपका है, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे
जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया और इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रैडक्लिफ रेखा, रैडक्लिफ लाइन विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है और इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर इस सीमा का रैडक्लिफ रेखा नाम रखा गया। ठीक है, तो विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है और इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था और इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रैडक्लिफ रेखा रखा गया था। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ बैकबोन ऑफ हाई एशिया का नाम से जाना जाता है। तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।